कैमरा तो हो गया फिक्स हमारा। तो काफ़ी सफारी ओनर्स की कंप्लेंट आती है कि हेडलाइट बहुत कम है सफारी की और उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले अपग्रेड कराया हुआ है, अपनी हाई बीम लाइट अपग्रेड कराई थी, उसका वीडियो आप आई बटन में देख सकते हो, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वो भी मैंने अपग्रेड कराई थी और वो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी, बट फिर भी हाईवेज़ में मेरे को थोड़ी सी हेडलाइट कम लग रही थी। तो और मैंने उससे हाई पावर की मैंने रिकमेंड नहीं की, मैंने लगाई नहीं है हाई बीम में क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन बचता था लो बीम, तो D5S बल्ब आते हैं जो HID आती है, उसका भी मैंने करा हुआ है, बाद में अपग्रेड कराऊंगा। बट जो नेक्स्ट ऑप्शन बचता था वो था फॉग लैम्प्स। तो मैंने फाइनली फॉग लैम्प्स के लिए भी अपग्रेड के लिए काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था, तो अभी मैंने ये फॉग लैम्प्स ऑर्डर किए हैं और वो आ गए हैं। तो ये मैंने फॉग लैम्प्स ऑर्डर किए हैं ऑटो स्क्वाड्स की वेबसाइट से। उनकी टीम बहुत हेल्पफुल है, उन्होंने मेरे को, आप उनके पास जाओगे, आपको कैसी लाइट चाहिए और कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन जो रिक्वायरमेंट वो आपको बेस्ट लाइट रेफर करेंगे। और उनकी वेबसाइट में काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर्स, कार वॉशर्स और सब जेन्युइन प्रोडक्ट, और अमेज़ॉन बाकी वेबसाइट से कम प्राइस में मिलते हैं। ये हैं हमारे IPH के प्रोजेक्टर्स, और ये मैंने वायरिंग भी ऑर्डर की है, अलग वायरिंग। जो एग्जिस्टिंग वायरिंग है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी इतनी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है। और ये है हमारी HID। तो ये दोनों तो मैंने ऑर्डर किए हैं ऑटो स्पॉट से, और ये है, ये वायरिंग के लिए भी मेरे को ऑटो स्पॉट की टीम ने रेकमेंड किया कौन सी वायरिंग ली, वो लेनी है, कहाँ से लेनी है। तो मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर की है। इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो ये हैं हमारे IPH के प्रोजेक्टर्स, देखते हैं कैसे हैं। ये है IPH प्रोजेक्टर, हाई बीम लो बीम दोनों हैं इसमें, Bi-Xenon फॉग लाइट्स। तो ये है प्रोजेक्टर, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी हैवी है। और इसके इस बॉक्स में और क्या आता है, ये कुछ क्लैम्प्स हैं और स्क्रूज, सब कुछ दिए हुए हैं इसी में फिक्स करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला इसमें हाई बीम और लो बीम दोनों हैं, और ये HID कंपैटिबल है। रखते हैं साइड में HID को। तो ये हमारी दो HID है, और HID है 55 वॉट्स की है, और ये इसका करंट टेम्परेचर है 5000 केल्विन। इसमें एक और ऑप्शन आता है आपका 4000 इसका एक और ऑप्शन आता है 4300 केल्विन, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैंने कहा कि 5000 केल्विन लेते, थोड़ी वाइट अच्छी लगेगी फॉग लैम्प में। तो बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो ये है आपकी HID। तो अभी इसको वहीं पे जाके ओपन करके आपको दिखाऊंगा कैसी है। तो इसमें दो HID आती है, और इस बॉक्स में और क्या है, इस बॉक्स में ये वारंटी कार्ड आता है, इसमें कुछ 16 मंथ्स की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। तो इसका बेस्ट पार्ट यही है, इसमें इसकी वारंटी अच्छी है। बाकी चाइनीज़ HID भी आती है, बट एक्सेलाइट की वारंटी अच्छी है, इसलिए मैंने ये एक्सेलाइट की लिए। और दूसरे बॉक्स में है इसके ब्लास्टर, ये आपके दो ब्लास्टर, और ये HID डिकोडर, और ये ब्लास्टर, ये हाई, ये दो, ये ब्लास्टर है इसका। और पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है। ये है इसकी वायरिंग, वायरिंग को भी ओपन करके देख लेते हैं। अभी हम लोग एग्जिस्टिंग वाली वायरिंग यूज़ ही नहीं करेंगे। तो ये देखिए कितनी हैवी वायर है। तो ये आती है, अब ये इसकी वायरिंग लगेगी, एग्जिस्टिंग वायरिंग को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, इसको फ्यूज़ से मोस्ट लाइकली पावर लेंगे। तो अभी जाके इसको लगवाते हैं, देखते हैं कैसी है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे लाइट चेंज कराने के लिए। क्या क्या ओपन करना पड़ेगा इसके साथ भाई? पूरा बम्पर, हाफ बम्पर रिमूव करते हैं। अच्छा, बम्पर भी। तो अभी हमको दोनों DRL, एक ग्रिल और ये बम्पर, तीनों निकालना है। तो अभी निकाल रहे हैं ग्रिल। इसकी DRL तो निकल गए हैं, 2-3 घंटे लगेंगे टोटल निकालने में इसको। तो अभी हमको दोनों DRL, एक ग्रिल और ये बम्पर, तीनों निकालना है। तो अभी निकाल रहे हैं ग्रिल। इसकी DRL तो निकल गए हैं, 2-3 घंटे लगेंगे टोटल निकालने में इसको। निकालने में प्रॉब्लम है इसकी, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है, खोल के लगाने में दिख सही है वो कोई दिक्कत नहीं है, खोलने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एडजस्ट किया वो अलाइनमेंट एडजस्ट करने में। अभी तो फिर भी शाम में थोड़ा अलाइनमेंट हो जाएगी, दिन में थोड़ी दिक्कत होती है। क्रेटा में कितना लगता है? वैसे मेरे फ्रेंड की भी अलाइनमेंट आउट है, वो बोला उसको भी लगाने हैं। हाँ, क्रेटा, मेरे फ्रेंड के पास क्रेटा है। क्रेटा में नहीं लगेगा, नहीं लगता। उसका शेप ही अलग है ना, रोल है ना। अच्छा, ट्रायंगल है उसका। लेटेस्ट क्रेटा है क्या? हाँ, 1.5 साल पहले, 2 साल पुराना, पिछला वाला मॉडल। उसमें भी नहीं होता, अब लेटेस्ट वाले में होगा। हाँ, लेटेस्ट वाले में वो पब्लिक से जुड़ने। अच्छा, वो आ गया, लेकिन उससे पहले का मॉडल नहीं आता। एक फॉग लैम्प तो निकल गया है। तो ये है कंपनी फिटेड फॉग लैम्प, ये ओसराम H16 12 वाट के हैं। इसकी जगह लग जाएंगे प्रोजेक्टर लैम्प यहीं पे। तो अभी ये निकली हुई HID कैसी लग रही है? ऐसा नहीं लग रहा 2 सिंग है, ये सिंग और ये सिंग, बीच में ये प्रोजेक्टर लैम्प। इस पर ही लगेंगे जिसमें हमारे वो लगते हैं फॉग लैम्प्स, ये उसका इसमें लगते हैं। तो प्रोजेक्टर लैम्प लगाने के लिए इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्टर लैम्प का साइज़ बड़ा है, वो इसी को कटिंग कर रहे हैं अभी। ये HID बल्ब है। हाँ, अच्छा, ये HID उसमें लगी है। HID हाँ, उसमें लग गया। अच्छा, बल्ब लग गया। अच्छा, अभी फिटिंग करना है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट बोलते हैं इसको। हाँ, ब्रैकेट। ब्रैकेट फॉगलेट का ये टाटा का गाड़ी में ही आ रहा है, दूसरा गाड़ी में नहीं है। तो दूसरी गाड़ी में डायरेक्टली लग जाता है ना। लग जाता है। हाँ, तो हमारे फॉग लैम्प लग गए हैं ब्रैकेट में और HID भी लग गई है। अब वायरिंग करनी है, वायरिंग ये पड़ी है, और उसके बाद सबसे बड़ा काम अलाइनमेंट का करना है। ये अलाइनमेंट के लिए होता है क्या? ये गोल गोल लगा है। अच्छा, प्रोजेक्टर में भी ऐसा आ रहा है, IPH में भी है, दूसरा मॉडल। तो किसी के पास एग्जिस्टिंग जो फॉग लैम्प है उसकी अलाइनमेंट इससे होती है, ये जो स्क्रू है इससे अलाइनमेंट कर सकते हो आप ऊपर नीचे। तो ये IPH में नहीं आ रहा अभी, तो अभी इसको रखा जाए। तो हो रहे हैं फॉग लैम्प फिट कर रहे हैं। तो इन्होंने किया कार ली है और इसमें फॉग लैम्प का ऑप्शन ही नहीं है। ये लोग फॉग लैम्प लगाने आए थे, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है, किया ने फॉग लैम्प का ऑप्शन ही नहीं दिया। सो गाइस, ये है केरेंस किया की। बढ़िया इंटीरियर है। इसमें कूल चीज़ दिखाओ, वो देखो इसका एयर का नॉब, यहाँ से आप ब्लोअर सेट कर सकते हो कितनी स्पीड है, और इसके ब्लोअर भी ऊपर लगे हैं। अभी यहाँ से लाइट आ रही है। बाहर का तो हमारा पैक होगी गाड़ी, बाहर से तो बिल्कुल रेडी होगी, ये लगना है बस। बाकी बम्पर बंद हो गया, फॉग लैंप HID लग गई, प्रोजेक्टर लग गए, बस अब एक वायरिंग होनी है फ्यूज़ बॉक्स से, तो फ्यूज़ बॉक्स की वायरिंग कर रहे हैं, उसके बाद रेडी हो जाएगी। कुछ कितना टाइम हुआ, 5 बजे आए थे और अभी ऑलमोस्ट 7:30 बज गए हमको यहीं पे। सो ये है अभी एग्जिस्टिंग फॉग लैम्प्स, यहाँ से देखते हैं, ये एग्जिस्टिंग फॉग लैम्प्स है। ये कार से इसकी लाइट कितनी दूर तक है, ये आ रही है इस पेड़ तक आ रही है अभी, अभी दूसरे वाला का देखते हैं कहाँ तक आती है। ये है प्रोजेक्टर लैम्प का, सिर्फ प्रोजेक्टर लैम्प जल रहे हैं। थ्रो देखो कहाँ तक पहुँच गया इसका, ये यहाँ से खड़े होते हैं सेंटर में गाड़ी में सेम पोजीशन में, थ्रो कहाँ तक पहुँच गया। पुरानी वाली फॉग लैम्प ऑलमोस्ट सिर्फ यहाँ तक आ रही थी, अभी देखो क्या ज़बरदस्त लाइट है इसकी, वाइड भी बहुत है। तो अभी तो लो बीम में चल रही है, हाई बीम में सोचो और कितना दूर तक दिखाई देगा। हाई बीम में तो वो पूरा, हाई बीम में तो ऑलमोस्ट पूरा गेट तक दिखाई देता है। फॉग लैम्प्स, लो बीम विथ फॉग लैम्प्स, लो बीम विदाउट फॉग लैम्प्स, फॉग लैम्प एंड हाई बीम। तो प्रोजेक्टर लैम्प हो गया इंस्टॉल, और ये है, और ये हाई बीम का थ्रो है, पिट लाते हैं लो बीम के साथ। ये लो बीम, हाई बीम, हाई बीम प्रोजेक्टर लैम्प और हाई बीम फॉग लैम्प के दोनों के साथ। तो थ्रो तो बहुत ज़बरदस्त हो गया है, पहले से बिल्कुल दूर दूर तक नज़र आ रहा है, और बिल्कुल एक एक पत्थर नज़र आ रहा है गाड़ी रोड पे जो एक पत्थर पड़ा है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। करो इस तरह जाओ, हाँ अभी सीधा आ जाओ।